Adi Sharma, right? Yes. मेरा नाम अर्जुन है, आपके भाई की हेल्प करना चाहता हूँ। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं मेरे भाई? मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, आपके भाई जैसे लोगों की हेल्प करना मेरा काम है। मेरा भाई कई दिनों से लापता है और मुझे नहीं लगता कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है। मुझमें एक खास बात है, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। तुम्हारा भाई इतनी जोर से इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वह ऐसी जगह पर है जहाँ हम जैसे लोग ही उसे ढूंढ सकते हैं। मैं समझा नहीं। आप बस इतना समझ लीजिए, आपके भाई को मैं ही बचा सकता हूँ और उसके पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले मैं आपके भाई की मदद करूँ मुझे सब कुछ जानना होगा। मेरे भाई का नाम विवान है, हम लोग आगरा में रहा करते थे। कुछ महीने पहले हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमने इस शहर में शिफ्ट करने के लिए डिसाइड किया, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था, कुछ दिनों पहले सब कुछ बदल गया। मेरा भाई ढूंढने के लिए रेसिडेंसी पार किया और वहाँ से वापस नहीं लौटा। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है। मैं जानता हूँ एक भाई के लिए ये सब झेलना आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपके भाई की मदद करके रहूँगा। जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है तब से हमारे बीच कुछ बुरी ताकतों का निवास रहा है जो हमेशा से हमारे लिए खतरा बना रहा है। विवान की गायब हो जाने की वजह कुछ ऐसी है कि उसे कुछ बुरी ताकत ने कैद कर रखा है। उन बुरी शक्तियों का निवास उस दीवारों में ही है। हमें विवान को जल्द से जल्द निकालना होगा, इससे पहले हमेशा के लिए उसे खो दें। क्या बकवास है, मैं सब नहीं मानता। अभी मान जाओगे। क्या था ये सब? मेरा भाई वहां कैसे पहुंचा? बचा लो मेरे भाई को। पता नहीं मेरे भाई के साथ ये सब क्या हो रहा है। मॉम डैड के डेथ के बाद उसकी हालत और खराब हो गई और अब ये सब। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। हम इस शहर में इसलिए आए थे कि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, क्योंकि मॉम डैड के बाद हमारा कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, उसे वापस ला दो प्लीज, उसे बचा लो। जिसने भी विवाद को कैद कर रखा है वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इन बुरी शक्तियों का एक ही मकसद होता है, इंसानों की रूह को भ्रष्ट करना और अपनी खुराक मिटाना। ये हमारा डर हमारे दुख पर काबू पाना चाहते हैं ताकि अपने आप को ताकतवर बना सकें।
ठीक हो ना? मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है, तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। आप कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? एक बुरी ताकत ने तुम्हें कैद कर रखा है, वो तुम्हारे डर पर हावी होना चाहता है और तुम्हारी आत्मा को कैद कर सके। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें अपने डर का सामना करना होगा, इससे पहले कि हमें हम दोनों को मार दें। तुम ठीक हो ना? हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं, तुम्हें हार नहीं मानना होगा। मैं तुम्हारे भाई को वादा किया है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अपने डर, अपने लाइफ के मुसीबतों का सामना करना होगा। अपने भाई को याद करो, तुम्हें उस बुरी ताकतों से लड़ना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। विवान, तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम वापस आ गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन है? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, इन्होंने तुम्हें उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला है। पर मैं फिर आपको कहना चाहूंगा थैंक्स। ठीक, कोई जरूरत नहीं है, मुझे चलना चाहिए। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम वापस आ गए। इस सब का क्रेडिट अर्जुन को जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्जुन की वजह से ही आज मैं इतने सालों बाद आजाद हूँ। ये क्या कह रहे हो भाई, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपके भाई के लिए हालात और भी बुरे होने वाले हैं।